कहते हैं कुत्ते से ज्यादा वफादार और सच्चा साथी कोई नहीं होता, लेकिन लखनऊ के केस ने इस बात पर दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिटबुल पालने वाले अमित ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो बच्चे की तरह पाल रहा है, जिसे वो कभी रुई के फाहे में डुबोकर दूध पिलाया करता था, वो ही कुत्ता उनकी माँ की मौत का कारण बन जाएगा। मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है, जहाँ एक रिटायर्ड टीचर सुशीला त्रिपाठी को उनके कुत्ते ने फाड़ कर मार डाला। जिस कुत्ते ने सुशीला त्रिपाठी को इस बेरहमी से मार डाला, वो कोई आम नस्ल का कुत्ता नहीं था, बल्कि सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक पिटबुल है। ब्राउनी नाम के इस कुत्ते को 3 साल पहले सुशीला त्रिपाठी का बेटा घर लाया था, बिल्कुल बच्चे की तरह पाला, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यही कुत्ता सुशीला त्रिपाठी की मौत का कारण बनेगा। पिटबुल नस्ल के कुत्ते का हमला इतना तेज था कि कुछ ही सेकंड्स में उसने उनका पूरा शरीर और पेट फाड़ डाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुत्ते का हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि मृतक के शरीर पर गहरे कुल 12 जख्म शरीर पर मिले हैं, और तो और पिटबुल पूरे शरीर का मांस तक खा गया। वहीं पूरी घटना पर पड़ोस के रहने वाले शख्स का कहना था कि ना सिर्फ उस पिटबुल ने पूरे शरीर का मांस खा लिया, बल्कि बेदर्दी से पूरे 1 घंटे तक बुजुर्ग महिला का मांस नोचता रहा। बाद में हम लोग सो रहे थे घर पे, सुबह 5:30 बजे का ये सीन है। वो 4 बजे बंदा जिम चला जाता है, बस क्या हुआ, एक लेडीज़ वहाँ से दौड़ते हुए आई, कह रही है अमित की को, मतलब अमित को कॉल कर दो, मतलब उनकी मम्मी को, डॉगी उनका खा मतलब ख़त्म ही कर रहा था उस टाइम। हम लोग पहुँचे तो देखा पूरे आंगन में ब्लडी ब्लड, जितना कोशिश हो पाया हटाने की तो हटाया, बाकी वो छोड़ नहीं रहा था, बस छोड़ नहीं रहा था। फिर जब तक अमित आया, जब अमित आया तब उसने फिर एकदम से वो सिलेंडर हो गया, एक रूम में जाके छुप गया, फिर उसका से निकला ही नहीं वो। नहीं तो फिर जब आप, जब अमित नहीं था, चाबी भी कैसे खोली, कैसे? अभी कुछ नहीं थी, मतलब सब तरफ से इन्वर्ट था, मतलब अंदर से लॉक था, तो आंटी दरवाजा लॉक खोल सकती थी, बाकी अमित ऊपर से फिर फान की गया था। फिर आप लोग हॉस्पिटल सबसे पहले हम लोग बलरामपुर लेके गए, फिर उसके बाद ट्रामा लेके गए, ट्रामा से फिर थोड़ा एक मतलब मैक्सिमम 8:30-9 बज गया था बस। उसके बाद से उनका पेन इन्होंने लगा, तो इस चक्कर में फिर उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने भी बोला चांसेस बहुत कम ही है, ये मेन पार्ट सारा खा गया था वो। क्या क्या खाया? जैसे तो मतलब चेस्ट हो गया, बैक साइड हो गया था, ये पूरा नीचे स्टोन का पूरा मतलब बॉडी के मेन एग्जैक्टली सारे पार्ट्स खत्म कर दिए थे। पड़ोस में रहने वाली महिला का कहना था कि वो इतना खतरनाक कुत्ता था कि वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलता था, और जिस हिसाब से वो पत्थर मारने के बावजूद महिला को खा रहा था, उससे साफ था कि वो पूरी तरीके से आदमखोर हो चुका है। दरवाजा अंदर से बंद था, इनका बेटा गया हुआ था जिम ट्रेनर है, तो उसको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे जो इनके यहाँ टेनेंट्स रहते हैं, बट वो फोन नहीं उठा रहा था, जो भी रीजन था, वो बिजी होगा, जो भी उसको नहीं पता होगा। और अंदर जाने का एक रास्ता था, बट कोई उस टाइम पे इतना नहीं रिस्क उठा पाता अंदर जाने का, तो कई देर तक वो मसला चढ़ता रहा, वो अपना काम करता रहा, घायल करता रहा। हम जितना बाहर से पत्थर मार मार के उनको बचा सकते थे, बट वो हटा नहीं वहाँ से, क्योंकि वो उसके सामने था, उसका शिकार जो था, तो मार दिया उसको। आपको क्या लग रहा है, ऐसा कुत्ता था, खून लगा उसके, आदमखोर टाइप हो गया? आदमखोर ही है वो, आप उसको और क्या बोलेंगे, आदमखोर था। आप सोचिए, एक पड़ी हुई है एक औरत, और वो पहली बार नहीं है, ये पहले भी कर चुका था वो, एक दो बार कर चुका था, उसके बाद भी कोई मतलब लिया नहीं गया एक्शन। मतलब मैं एज अ रेसिडेंट बस यही है कि वो कुत्ते को यहाँ से हटना चाहिए, और नगर निगम को इस चीज़ पे, और मुझे नहीं पता उसके पास लाइसेंस है इस कुत्ते का या नहीं। तो क्या वो गली में बाहर कभी टहलाने निकलता था इस तरीके से? कभी नहीं, एक दो बार गलती से बाहर निकलता था तो निकलता था, वो भी हम सब डर के बाहर अंदर बैठ जाते थे, क्योंकि वो भाई पिटबुल तो पहली बात तो कितने देशों में बैन है, तो उसको आप ऐसे पेट नहीं कर सकते, और आपने किया है तो आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, जो कि साफ साफ दिखी कि उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है। कितने घंटे तक ये सीन चलता रहा जब वो काट रहा था? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे तक आप लोगों ने पत्थर मारने की कितनी कोशिश की, दरवाजा अंदर से बंद तक कर ही नहीं पाए कुछ। सब थे, मतलब मैं थे, मेरे फादर थे, इधर से ये लोग 2-3 मिनट के लिए आए, ये लोग आए, सब मतलब आए थे, जितना जो जितना उसको चिल्ला चिल्ला के भगाने की कोशिश कर पाए कि। फिर ऊपर से अमित जो लड़का है उनका एक दोस्त आया, वो गया ऊपर डंडे वंडे से, जो भी ऊपर से जितना उसको वो छोड़ा पाया वो छोड़ा, फिर जितना मुझे नहीं पता, क्योंकि वो काफी एक पॉइंट पे तो वो घसीट के लेके चला गया था कुत्ता उनको। हाँ। वही पड़ोस में एक हॉस्टल में काम करने वाली महिला ने बताया कि वो लोग काफी डरे हुए हैं, ये वाकई में काफी बड़ी घटना है। पागल हो गया कुत्ता, रोज रहता था उनके घर पे, लड़का जिम जाता था, और अंदर माता जी थी, अंदर भाई सबका गेट अंदर से बंद रहता है, अपने अंदर काम क्या करती, पता नहीं कुत्ता कल कैसे पागल हो गया, कैसे पागल हो गया, वो लड़का जिम चला गया था और बस काटने लगा माता जी को।
हमारा तो हॉस्टल है माँ, हम यहाँ काम करते हैं, हम तो 11 बजे आए, लड़कियाँ हमारे हॉस्टल में थी, देखी कि चिल्लाटो मचा है, किसके यहाँ कुत्ता काट रहा है कुछ। हमारी सिस्टर हॉस्पिटल में पूजा करें, इंदिरा गांधी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पूजा करने गई थी, देखी मेरे हमारी फ्रेंड को तो नहीं कुत्ता काट रहा, इधर उधर कुछ नहीं दिखा, पता चला इधर से ऐसी कोठी हमारी एक रहती, बोली इधर से आवाज़ आ रही है, झाँक के देखा तो माता जी को कुत्ता दौड़ा दौड़ा के खींच खींच के काट रहा था, खींच खींच के इस तरह से ब्लड उलट पड़ा था। तो ये पहले भी खाना देती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे उस दिन उसके कोई दानों सवार हो गया कुत्ते के, और कोई उसमें रहता नहीं था, वही माँ बेटे रहते थे, बेटा जिम जाता था। फिर बचाया कैसे उसे, क्या हुआ, मतलब कैसे ले गए? अरे वो लड़का भाई जिम में रहते हैं, लोग तो फोन नहीं उठाते हैं, फिर वो लड़का आया, घंटा एक घंटा काटता रहा माता जी को, माता जी एकदम एक हड्डी की थी, अरे 80-80 की एज रही होगी। फिर उसके बाद में वहाँ गए, उनके दोस्त आए, देखे ये पोजीशन, वो लड़का पागल हो गया, गया गोमती नगर में जहाँ जिम चलता था, वहाँ गया, उनको ले गया, जैसे आया वो लड़का जिसकी माँ का ऐसा कांड हो रहा है, जैसे छत पे चढ़ के गया, अंदर से गेट खोला, तब जाके माता जी को सब ले के भागे हॉस्पिटल। वहीं पूरे मामले पर नगर निगम के अधिकारी अरविंद राव के मुताबिक नोटिस दिया जा रहा है और लाइसेंस भी देखा जाएगा, अगर लाइसेंस नहीं है तो कार्रवाई होगी, और अगर है तो लाइसेंस कैंसिल करके कुत्ते को जब्त कर लिया जाएगा। देखिए जैसे सूचना मिली थी हमें, तो हमने अपने वेटनरी अफसर हैं डॉक्टर अभिनव वर्मा जी को तुरंत मौके पर भेजा था, अपनी टीम के साथ ये गए थे, तो उस समय जो डॉग ओनर था, हम बेसिकली हम ये जानना चाह रहे थे कि घटना सही है या गलत है और उस कुत्ते का लाइसेंस है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब ने जब चेक किया तो उस समय उस घर के मालिक की स्थिति मनोस्थिति अच्छी नहीं थी कि कुछ भी चीज़ें बता पावे, और बिल्कुल सही बात थी, तो ये लोग चले आए थे। आज सुबह भी हमारी टीम गई हुई थी, तो अभी अपनी माता जी के अंतिम क्रियाकर्म में लगे हुए हैं, और इसको हम कल परसों में जब वो थोड़े संयम शांत हो जाएंगे तो हम लोग उसको देखेंगे, और जो नियमानुसार कार्रवाई जो विधि विधान में है वो हम उसी सब कार्रवाई। अगर ऐसे लोगों पास अगर लाइसेंस नहीं होता है, उस केस में आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? क्योंकि अगर लाइसेंस आप लोग कहते हैं, वैक्सीनेशन का कहते हैं, अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो हम 500 से लेकर 5,000 तक जुर्माना करते हैं, अगर जुर्माना नहीं देता तो हम कुत्ते को जब्त भी कर लेंगे। जी सर, जिस तरीके से ये ब्रीड है जिसमें पिटबुल बड़ा खतरनाक बताया जाता है, कई अन्य देशों में बैन भी है, ऐसे में आप लोग इसके लिए क्या कुछ लोगों को बताते हैं या जागरूक करते हैं? देखिए ऐसा है कि पहले सबसे पहले तो जो है इस तरह के फ्यूरियस डॉग लोगों को पालने से बचना चाहिए, क्योंकि सब जो भी ये कुत्ता पालता है बड़ा खर्चीला कुत्ता है, खाता पीता भी बहुत ज़्यादा है, और सभ्य समाज में रह रहे हैं लोग, तो इसमें ऐसा नहीं है कि उनको बहुत जंगली मतलब शिकारी टाइप के कुत्ते पालने की ज़रूरत पड़ती है। अपने शौक़ के लिए अगर पालना है तो जो डोमेस्टिक ब्रीड है उन्हें पालें, इस टाइप के खतरनाक कुत्तों को न पालें। सर इसमें क्या कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि महिला की मौत हो गई है और कुत्ते मालिक के पास अगर लाइसेंस नहीं होता है तो क्या और भी कार्रवाई हो सकती है कि कोई अगर कंप्लेंट आती है किसी तरीके? देखिए नगर निगम का जहाँ तक प्रश्न है, नगर निगम अपने नियमों के दायरे में ही कार्रवाई करेगा, अब वो किसी ऐसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में नहीं जा सकता है कि किसी को उस तरीके से उस नियम में लाया जाए। हमारा तो ये है कि हम जो डॉग लाइसेंस जो हमारे नियम बने हुए हैं हम उसी के तहत कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि पिटबुल काफी खतरनाक नस्ल का कुत्ता है, इतना ही नहीं कई देशों में नस्ल बैन भी है। फिलहाल पूरी घटना से इलाके में दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, और एक बेटा अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो चुका है, और वो भी उस कुत्ते के चलते जिसे उसने एक बच्चे की तरह पाला पोसा था। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।